नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंपल खाना। आज मैं आपको बैंगन की ऐसी डिश बताऊंगी जो हर कोई खाने में बहुत पसंद करता है और ये बहुत ही सिंपल होती है और ये बंगाल में, बिहार में, यूपी में सब जगह बनती है। मेन तो ये बंगाल का है और इसे बोलते हैं बैंगन का भाजा। इसके लिए हमें एक गोल वाला बड़ा वाला बैंगन चाहिए, जो बैंगन के भरते वाला बैंगन होता है, थोड़ा लंबा भी हो तो अच्छा है। और इसको हमें गोल गोल पीसेस में, छोटे छोटे पतले पतले पीस इसके गोल गोल ही काटना है। कुछ इस तरह के पीसेस हमें काटने हैं और फिर हमें इसे एक बड़े बर्तन में लेना है, गोल बर्तन में। और इसमें हमें एक चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डालना है। और साथ ही अगर आपको मसाला भी खाना है तो थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दीजिए, आधा चम्मच, और अदरवाइज जरूरी नहीं है मसाला। और इसमें हमें एक चम्मच, छोटा चम्मच नमक डालना है और सबको ऐसे ऐसे करके या हाथ से ऐसे करके मिलाना है ताकि इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाए। देखिए सब पे ये आ गई है कोटिंग। अब इसको रख देना है और 2 मिनट बाद हमें इसको पकाना है। हमें नॉनस्टिक फ्राइंग पैन लेना है, नॉनस्टिक या तवे पे भी बन जाता है। और उसमें हमें करीब 2 चम्मच सरसों का तेल डालना है और सारे बैगनों को ऐसे रख देना है। देखिए मैंने रखे हुए हैं। और फिर उसको एक साइड जब ब्राउन हो जाए तो उसे दूसरी साइड भी ब्राउन कर लेना है। देखिए एक साइड ब्राउन हुआ है तो मैंने इसको पलट दिया है। अभी ये ऐसे पलट पलट के आपको दोनों तरफ इसको ब्राउन ब्राउन कर देना है। और इसके लिए फ्लेम कभी थोड़ा मीडियम रखना है, बहुत स्लो नहीं रखना है। अगर ज़्यादा स्लो रखेंगे तो ये टूट जाएंगे। और याद रखिए बैंगन गोल गोल काटते वक्त थोड़ा थोड़ा इतना मोटा भी रखिए ताकि ये टूटे ना, ज़्यादा पतला रहेगा तो टूट टूट जाता है। और अभी इसको एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन करके हमें सब निकालने हैं। बैंगन को थोड़ा सा दबा के देखिए, ऐसे ये पक चुका है तो आप फ्लेम को तेज कर दीजिए ताकि जल्दी से ब्राउन हो जाए। और जब ये ब्राउन हो जाएंगे दोनों तरफ से तो इसे निकाल के और खाइए। अब ये हो गया है, देखिए ये लगभग हो ही गया है। और अब इसको हम निकालेंगे और इसे चावल के साथ या रोटी के साथ जैसे भी खा सकते हैं, दाल चावल पे ही अच्छा लगता है। और इसको खाइए, बनाइए, खाइए और बताइए कि कैसा बना आपका बैंगन भाजा। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू रेसिपीज एंड मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।